नई लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बीबीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों से जवाब मांगा है और 10 दिन बाद इस मामले में सुनवाई की जाएगी। एक मामले में के बयान पर लोकसभा में विपक्ष ने हंगामा किया। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की। कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कहा, हम एक्ट के खिलाफ नहीं है, पर बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सभी पार्टियों से 2 दिन में जवाब मांगा है और इस मामले में 10 दिन बाद सुनवाई की जाएगी। यह याचिका केंद्र सरकार की ओर से सोमवार को दायर की गई थी। तब कोर्ट ने फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया था। उधर गृह मंत्री ने इस मामले पर लोकसभा में बयान दिया। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था। इस दौरान 10 से कम ज्यादा राज्यों में प्रदर्शन हिंसात्मक हुआ और 14 लोगों की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में रहा। सुप्रीम कोर्ट में हमारी सरकार पार्टी नहीं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। देश के कई हिस्सों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। इन हिंसक घटनाओं में 8 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 1-1 की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई में भारत सरकार पार्टी नहीं थी। संविधान में लोगों को पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया गया है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने इस एक्ट में कोई भी डायल्यूशन नहीं किया है। राजनाथ सिंह के बयान के दौरान विपक्षी सांसद हमें न्याय चाहिए जैसे नारे लगाते रहे। तत्काल सुनवाई के लिए सरकार ने हिंसा और जनहानि का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इससे पहले कहा था कि वो खुली अदालत में सुनवाई को तैयार हैं, लेकिन यह केस उसी बेंच के पास जाना चाहिए जिसने यह फैसला किया था। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा था कि बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस के सामने केस मेंशन करें। इसके बाद CJI दीपक मिश्रा ने ओरिजिनल बेंच को गठित करने के राजी हो गए जिसने फैसला सुनाया था। इससे पहले अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने भारत बंद के दौरान जनधन हानि का हवाला दिया और फौरन सुनवाई की मांग की। एक के मामले में वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। एक कानून में कहां पुलिस से शिकायत हुई थी। महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग के स्टोरकीपर ने राज्य के तकनीकी शिक्षा निदेशक सुभाष काशीनाथ महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। स्टोरकीपर ने शिकायत में आरोप लगाया था कि महाजन ने अपने अधीनस्थ उन 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है जिन्होंने उसकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में जातिसूचक टिप्पणी की थी। तो पुलिस से शिकायत होने के बाद कैसे आगे बढ़ा मामला। पुलिस ने जब दोनों आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारी महाजन से इजाजत मांगी तो वह नहीं दी गई। इस पर पुलिस ने महाजन पर भी केस दर्ज कर लिया। महाजन का तर्क था कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ ईमानदार टिप्पणी करना अपराध हो जाएगा तो इससे काम करना मुश्किल हो जाएगा। 3 FIR के बाद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में केस कब से। 5 मई 2017 को काशीनाथ महाजन ने FIR खारिज कराने हाईकोर्ट पहुंचे, पर हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। FIR खारिज नहीं हुई तो महाजन ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर शीर्ष अदालत ने 20 मार्च को उन पर FIR हटाने का आदेश दिया। 4 सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को फैसले में क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के साथ आदेश दिया कि एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए। इस एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत मिले। पुलिस को 7 दिन में जांच करनी चाहिए। सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बिना नहीं की जा सकती। 5 क्यों फैसले का विरोध शुरू हुआ, सरकार ने क्या किया। इस फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दलित संगठनों और विपक्ष ने केंद्र से रुख स्पष्ट करने को कहा। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की। 6 आखिर इस फैसले के विरोध क्यों हो रहा है। दलित संगठनों का तर्क है कि 1989 का अत्याचार निवारण अधिनियम कमजोर पड़ जाएगा। इस एक्ट के सेक्शन 18 के तहत ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं है।